विबिहार पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। दसवीं कक्षा के छात्र छात्राएं, आज हम इस कक्षा में शुद्ध रूप लिखना, इस व्याकरणांश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम तत्सम तद्भव शब्द, क्रिया विशेषण और संज्ञा हिंदी अक्षरों में लिखना, कारक, समास, संधि, अनेक शब्दों में एक शब्द, मुहावरा, लिंग बदलना, वचन बदलना, इसके बारे में, काल बदलना, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब शुद्ध रूप लिखना, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ 10 वाक्य दिए गए हैं। देखिए, पहला है मैं निराश नहीं है, दूसरा है बच्चा काम किया, और तीसरा है मैं मेरा काम करता हूँ, चौथा है तुम पाठ पढ़ता है, पांचवा है हम गीत गाता है, छठवा है वह पाठशाला जाते हैं, सातवा है राम मिठाई खाया, आठवा है तुम कहाँ जाता है, नौवा है वह फल लिया, दसवा है वे सिनेमा देखेगा। एक बार आप भी देखिए, पहला वाक्य क्या है, मैं निराश नहीं है। इस वाक्य का शुद्ध रूप देखिए, मैं निराश नहीं हूं, मैं निराश नहीं हूं। मैं के साथ शुरू होने पर ध्यान दीजिए, मैं के साथ शुरू होने पर अंत में हूं से समाप्त करना चाहिए, इसलिए मैं निराश नहीं है अशुद्ध वाक्य है। मैं निराश नहीं हूं, यह है शुद्ध रूप है। और दूसरा देखिए, बच्चा काम किया, हम इसके पहले काल बदलना, काल बदलना उस व्याकरणांश में हम चर्चा किए हैं। किया, किया सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ क्या प्रयोग होना चाहिए, ने का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए बच्चे ने काम किया, क्रिया सकर्मक क्रिया है, क्रिया सकर्मक क्रिया है, इसलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना चाहिए। कर्ता क्या है यहां, बच्चा, बच्चा के बाद ने का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसलिए ने कारक चिन्ह के प्रयोग के कारण हमें बच्चा शब्द को बच्चे लिखना चाहिए, बच्चे ने काम किया। इकड़ा बच्चा ने बच्चे अने इंदुकुन रायल सचिंदी अनंते ये पक्कना ने अने इटुवंटि प्रत्ययम रवलना बच्चे अने रायल सचिंदी। मामूलुगा बच्चा अने इटुवंटिदि एकवचन शब्दम, बच्चा की बहुवचन चपमंटे ये चपतारु, व्हाट यू से, बच्चा बहुवचन बच्चे अनि चपतारु, कानी इकड़ा बहुवचन रूपम कादु, इदि एकवचनमे, इदि एकवचनमे। మరి బచ్చేగా ఎందుకని ఇక్కడ రాశాము అంటే, నే ప్రత్యేక కారణం చేత బచ్చేగా రాయబడింది. యు షుడ్ రిమెంబర్ దట్ బచ్చేనే కామ్ కియా, ఇక్కడ కామ్ బేస్ చేసుకొని కియా రాశాము, బచ్చేనే కామ్ కియా. భూతకాలంలో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యము ఎందుకని అశుద్ధ అయింది, కారణం ఏంటి అంటే, ఇది సకర్మక క్రియలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నే వాడలేదు, ఆ కారణం చేత ఇది అశుద్ధ వాక్యం. కాబట్టి మనం ఏం చేసాము, సకర్మక క్రియ ఉంది కాబట్టి కర్తతో పాటు నే ప్రయోగించి క్రియను కర్మ లింగ వచనను బట్టి రాశాము, కాబట్టి ఇది శుద్ధ వాక్యం. ఓకే, నెక్స్ట్ మై మేరా కామ్ కర్తాము, నేను నా పని చేస్తూ ఉన్నాను, అంటే ఇక్కడ నా పని చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు స్వయంకే బారేమే బోధ అవుతా, అంటే నాకు సంబంధించినటువంటి విషయాల గురించి నేను చెప్తూ ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ ఉపయోగించాల్సినటువంటిది मैं अपना काम करता हूँ। ये अपना अने सर्वनाम चुनाव, सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम प्रकार निजवाचक सर्वनाम, మరి నిజవాచక సర్వనామంలో ఏముంటాయి, స్వయం కే బారే మే అంటే మనకు సంబంధించినటువంటివి చెప్పేటప్పుడు ఉపయోగించేటువంటి సర్వనామాలు, అపనా, అపనే, అప్ని, ఇటువంటి సర్వనామాలను మనం ఉపయోగించాలి. మై మేరా కామ్ కర్తాము అంటే మై అపనా కామ్ కర్తాము, మై మేరా గాం గయా అని అనుకుంటాం, మై అపనా గాం గయా, ఇస్ ప్రకార్ ఆప్
अपना अपने या अपनी लिंग के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद देखिए तुम पाठ पढ़ता है, चूंकि तुम पाठ पढ़ते हो, तुम पाठ पढ़ते हो, चूंकि मई के साथ मई शुरू होने पर अंत में हूं के साथ समाप्त किए हैं, उसी प्रकार तुम शुरू होने पर तुम के साथ शुरू होने पर अंत में हो लिखना चाहिए। तुम पाठ पढ़ते हो। और उसके बाद देखिए हम गीत गाता है, हम बहुवचन शब्द है, सर्वनाम है, बहुवचन है, हम गीत गाते हैं अनुस्वार, हम गीत गाते हैं, हम बहुवचन है ना, इसलिए गाते हैं अनुस्वार लिखना चाहिए। और यहाँ देखिए वह पाठशाला जाता है, वह क्या है, एकवचन शब्द है, वह पाठशाला जाता है, वह पाठशाला जाता है। और राम मिठाई खाया, यहाँ देखिए खाया सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ क्या प्रयोग करना चाहिए, ने प्रयोग करना चाहिए, इसलिए कीजिए राम ने मिठाई, मिठाई स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मिठाई खाई, राम ने मिठाई खाई, क्रिया सकर्मक क्रिया है, इसलिए ने कर्ता के साथ ने प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद कर्म है स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए यहां काई लिखना चाहिए, कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया लिखना चाहिए, इसलिए काई लिखना चाहिए। और उसके बाद देखिए तुम कहां जाता है, तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो, तुम से शुरू होने पर हो से अंत करना चाहिए। और उसके बाद देखिए वह फल लिया, यहां सकर्मक क्रिया है, क्या लिया, फल लिया, उसने फल लिया, उसने फल लिया, यहां वह है ना, वह को भूतकाल में बदलते समय उसने इस प्रकार बदलता है। देखिए उसने फल लिया, फल पुंलिंग शब्द है, एकवचन है, इसलिए लिया क्रिया भी पुंलिंग एकवचन में लिखना चाहिए। और उसके बाद देखिए वे सिनेमा देखेगा, वे बहुवचन है, सिनेमा देखेगा, यह तो एकवचन में है क्रिया, देखेंगे अनुस्वार, वे सिनेमा देखेंगे, इस प्रकार बदलना चाहिए। और एक बार देखिए मैं निराश नहीं है, अशुद्ध वाक्य है, मैं निराश नहीं हूं शुद्ध रूप है, क्योंकि मैं से शुरू होने पर हूं से अंत करना पड़ता है। और बच्चा काम किया सकर्मक क्रिया है, इसलिए ने प्रयोग करना चाहिए, बच्चे ने काम किया। और मैं मेरा काम करता हूं, यहां स्वयं के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए मेरा का स्थान पर अपना लिखना चाहिए, मैं अपना काम करता हूं। तुम पाठ पढ़ता है, यहां तुम प्रयोग हुआ है, को के साथ समाप्त करना चाहिए, तुम पाठ पढ़ते हो। हम गीत गाता है, गाता यहां देखिए हम बहुवचन शब्द है, इसलिए हम गीत गाते हैं। वह पाठशाला जाते हैं, वह एकवचन है, इसलिए वह पाठशाला जाता है। राम मिठाई खाया, किया सकर्मक क्रिया है, इसलिए कर्ता के साथ ने प्रयोग करना चाहिए, और क्रिया कर्म के आधार पर बदलती है। राम ने मिठाई खाई। तुम कहां जाता है, तुम का प्रयोग हुआ है, तुम कहां जाते हो। वह फल लिया सकर्मक क्रिया है, और कर्ता के साथ ने आना चाहिए, वह उसने लिखना चाहिए, उसने फल लिया। और वे सिनेमा देखेगा, गलत है, वे बहुवचन रूप है ना, वे सिनेमा देखेंगे, इस प्रकार आपको अशुद्ध रूप से शुद्ध रूप लिखना चाहिए।